Good morning, everyone. Continuing with our next topic, that is psychological determinants. Psychology explain करती है कि कैसे एक consumer learn करता है about things और कैसे वो अपनी memory से recall करता है उनको और वो effect करता है उसके behavior को. तो psychological factors में जो चीजें include होती हैं वो हैं मोटिवेशन पर्सन का, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, और ये जो हैं चीज़ें इफेक्ट करती हैं उसके बाइंग हैबिट्स को. सबसे पहला है मोटिवेशन. मोटिवेशन अगर हम सिंपल एक वर्ड में बोलें, दैट इज़ वाई ऑफ बिहेवियर. मतलब आप कोई चीज़ जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो क्या फोर्स है जो आपको अर्ज कर रही है कोई चीज करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं मोटिवेशन. मोटिवेशन का क्लोज रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के साथ, क्योंकि मोटिवेशन ही डिसाइड करता है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो. एक पर्सन के डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं, जो उसकी नीड्स, वांट्स, ड्राइव्स, इंपल्सेस जो एक इंडिविजुअल के अंदर है उसको डिफाइन करते हैं. तो मोटिवेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है आपका मोटिव, मतलब आपकी नीड एक पर्सन की क्या है. और वो नीड जो है वो उसमें टेंशन क्रिएट करती है पर्सन में कि ये नीड है, अनसेटिस्फाइड है, और उसकी वजह से वो टेंशन क्रिएट होती है उसके अंदर, नर्वसनेस क्रिएट होती है कि मैं इस नीड को कैसे सेटिस्फाई करूं. उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक्शन लेता है. उस एक्शन में ही उसका जो बिहेवियर है वो डिफाइंड होता है. तो अगर हम नीड के बेसिस पे अगर हम चलते हैं, तो एक पर्सन जो है उसकी जो नीड्स है हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो इब्राहिम मास्लो ने दी है. पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स एक पर्सन की बेसिक नीड्स को डिफाइन करती हैं, जो एसेंशियल होती है उसके सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, वाटर, एयर, स्लीप एसेट्रा. कोई भी पर्सन होगा जब तक उसकी ये नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, वो किसी और नीड के बारे में नहीं सोच सकता. देन फिजियोलॉजिकल नीड के बाद जो नेक्स्ट नीड आती है, दैट इज सेफ्टी नीड्स. एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स पर्सन की सेटिस्फाई होगी तब वो सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचता है, और इसमें इंक्लूड होता है उसकी फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल, सेफ जॉब, जॉब सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, सेफ लाइफ, सेफ्टी प्रॉपर्टी की जिसके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकता है या सिक्योरिटी सर्विसेज ले सकता है. तो जब एक पर्सन की फूड की, क्लोथ की जो नीड है वो फुलफिल होगी, तभी वो इंश्योरेंस पॉलिसीज या सिक्योरिटी सर्विसेज लेने के बारे में सोचेगा. तो अगर इससे हम देखें कि एक पर्सन का, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसे इफेक्ट हो रहा है, कैसे इफेक्ट हो रहा है कि अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हैं तभी वो जो सेफ्टी नीड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करेगा. देन नेक्स्ट इज योर सोशल नीड्स. अगर आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हैं तो आप सोशल नीड्स के बारे में सोचते हैं. ये जो इब्राहिम मास्लो की थ्योरी है, इसने जो ये नीड्स हैं ये हायरार्किकल ऑर्डर में दी हैं कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होगी, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं, उसके बाद सोशल नीड्स आती हैं. तो सोशल नीड्स जो हैं, एक पर्सन की सेफ्टी नीड्स जब पूरी होंगी तब अराइज होती हैं. हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आप को सोसाइटी में एक्सेप्ट करवाना चाहता है. एक्सेप्ट किस तरीके से, कि उसे सोसाइटी में जो है फ्रेंड्स मिलें जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकता है, सोशलाइज कर सकता है, जो उसकी लव एंड अफेक्शन और एफिलेशन की
नीड है वो सोसाइटी पूरा करती है। तो जब पर्सन सोशल नीड अपनी फुलफिल करना चाहता है तो वो उसी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स परचेज करता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट अगर आपकी टॉयज की, ग्रीटिंग कार्ड्स की, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की है, बेबी फूड, पर्सनल केयर आइटम्स की हैं, तभी आप बाय करोगे जब आपको सोशल नीड अराइज होगी और ये आपकी सोशल नीड्स को प्रोडक्ट फुलफिल करते हैं। देन नेक्स्ट इज योर एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में हम इंक्लूड करते हैं प्रेस्टीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉलेज, सक्सेस एंड इंडिपेंडेंस जैसी चीजों को। एस्टीम नीड को हम स्टेटस नीड भी कहते हैं। स्टेटस आपका कब आप कहते हो कि स्टेटस है हमारा, जब आपके पास लग्जरी आइटम्स होती हैं। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है, अगर पर्सन की एस्टीम नीड्स फुलफिल नहीं हुई है तो एस्टीम नीड्स फुलफिल करने के लिए जो बिहेवियर है कंज्यूमर का वो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, अगर उसकी सोशल नीड्स फुलफिल हो गई हैं तो वो एस्टीम नीड्स के प्रोडक्ट्स को खरीदने चाहेगा, जैसे एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन्स, डायमंड ज्वेलरी, लग्जरी कार एसेट्रा। द नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये टॉप हायरार्की की नीड है, हाईएस्ट ऑर्डर की नीड है और यहाँ पर आपकी डिजायर होती है मैक्सिमम अचीव करने की। ये डिजायर हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है और डिपेंड करती है एक पर्सन की कैपेबिलिटीज पे। तो अकॉर्डिंग टू मास्लो एक नीड फुलफिल होगी तो वो अगली नीड पर पर्सन शिफ्ट करता है और हर एक नीड पर जो पर्सन का बिहेवियर है वो चेंज होता रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो आइटम्स को परचेज करेगा। द नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि किस तरीके से आप जो एनवायरनमेंट में चीजें अवेलेबल हैं उसे परसीव कर रहे हो, उसे देख रहे हो। स्टिमुलाई जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है आप उसे रिसीव कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो और उसे रिस्पॉन्स में ट्रांसलेट कर रहे हो। हर एक इंडिविजुअल के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आपकी आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और माउथ आ जाता है। उनके थ्रू आप स्टिमुलाई को रिसीव करते हो एनवायरनमेंट से, उसका मीनिंग आप क्रिएट करते हो और उसको आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो जो परसेप्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फिजिकल स्टिमुलस में, जैसे कलर, साइज, ड्यूरेबिलिटी, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, मोमेंट क्या है, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसका, और उसको पर्सन देखता है, सुनता है मैसेज के थ्रू, माइंड मेमोरी के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, मेंटल कैलिबर के थ्रू और सराउंडिंग सिचुएशंस में से ये सारी चीजें उसे मिलती हैं और उसके बाद वो रिएक्ट करता है कि उस चीज के लिए उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। अब ये चीज कैसे इफेक्ट करती है कंज्यूमर बिहेवियर को। कंज्यूमर बिहेवियर जब एक प्रोडक्ट को देखता है तो उस प्रोडक्ट में क्या चीज उसके परसेप्शन को, उसकी जो ये हम कह रहे हैं सेंसरी ऑर्गन्स है उसको अट्रैक्ट कर रही है, क्या कलर है प्रोडक्ट का या साइज है प्रोडक्ट का जो दूसरों से डिफरेंट है, क्या उसके ऊपर कुछ इमेज ऐसी बनी हुई है जिसे वो परसीव कर रहा है। तो वो सब चीजें जो हैं उसके बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करेंगी। जैसे कई बार अगर आपने देखा होगा आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, स्मॉल साइज का प्रोडक्ट है और उसके साइड में बिग साइज का प्रोडक्ट पड़ा होता है और तो आप लेने जा रहे हैं छोटा पैक, लेकिन सडनली आप देखते हैं कि बड़े पैक में कुछ अलग सा आपको नजर आ रहा है, उसकी कुछ शेप अलग नजर आ रही है या उसको पैकेजिंग आपको उसकी अलग नजर आ रही है, तो आप छोटा छोड़ के बड़ा परचेज कर लेते हैं। तो वो क्या है, आपकी परसेप्शन जो है उसने आपके बाइंग डिसीजन को इफेक्ट किया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शंस हैं जो एक कंज्यूमर के माइंड में होती हैं, किस चीज के रिगार्डिंग, जो आपके प्रोडक्ट हैं या प्राइस है, मतलब जो भी आपके मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग। जैसे प्रोडक्ट परसेप्शन में कि फूड आइटम फ्रेश होनी चाहिए, प्राइस परसेप्शन है तो लो प्राइस जो गुड्स होती हैं वो लो क्वालिटी की हो सकती है। ब्रांड परसेप्शन, जैसे एग्जांपल हम लें कि LG का अगर ब्रांड है तो वो इलेक्ट्रॉनिक का ही आइटम होगा,
स्टोर परसेप्शन हो सकती है कि स्टोर की इमेज माइंड में कैसी है कंज्यूमर के, रिस्क परसेप्शन हो सकता है कि शॉक प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए इन केस ऑफ रिस्ट वॉचेस का जो प्रोडक्ट है. तो जो परसेप्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. नेक्स्ट इज इमेज. जैसे परसेप्शन है उसी तरीके से जो इमेज है वो भी एक साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है ह्यूमन बिहेवियर का. इमेज का मतलब है आपकी फीलिंग, इम्प्रेशन एक पर्सन का अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर का जो पेयर सोप है उसके ऊपर, रैपर के ऊपर उसके वो मैसेज लिखते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान लीवर, तो उसकी एक बेटर इमेज है अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के कंपेरिजन में. इसी तरीके से जैसे LG प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में अगर आप जाएं तो उनका एक अलग इमेज है. ये इसे हम रिलेट कर सकते हैं जो मार्केटर पोजिशनिंग करता है अपने प्रोडक्ट की, कि क्या इम्प्रेशन, क्या इमेज वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर के माइंड में इम्प्लांट कर रहा है. तो ये उसी का रिस्पॉन्स है कि कंज्यूमर के माइंड में क्या इमेज है प्रोडक्ट की. अब जो कंज्यूमर के माइंड में इमेज है, कंज्यूमर जो है उसे तीन चीजों से हम कहते हैं कि रिलेट करता है. पहला है सेल्फ इमेज. हर एक पर्सन की खुद की सेल्फ इमेज होती है कि वो अपने आप को कैसा देखता है सोसाइटी में. अगर जो प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है वो उसकी उस इमेज से मैच करेगा तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज टीचर अपने आप को बेटर कंसिडर करता है स्कूल टीचर से, तो वो उसी तरीके से बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ उसकी ब्रांड प्रेफरेंस, स्टोर प्रेफरेंस एसेट्रा. देन प्रोडक्ट इमेज. इमेज माइंड में बायर्स के अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसी को हम प्रोडक्ट इमेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप क्रिम्पटन ग्रीव्स के जो क्रिम्पटन ग्रीव्स का जो वाटर पंप है आप उसे बेटर मानते हो दूसरे ब्रांड्स के पंप से, तो वो प्रोडक्ट की इमेज है. देन ब्रांड इमेज. ब्रांड भी इन्फ्लुएंस करता है बायर्स के बिहेवियर को. ब्रांड की जो इमेज क्रिएट है एक कस्टमर के माइंड में, वो उस ब्रांड के जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उन सब के बारे में उसके डिसीजन को इफेक्ट करेगी जब वो उन्हें खरीदने जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, साथ में प्राइस भी हमें अच्छा मिलेगा, मतलब लेस प्राइस में हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी. तो चाहे आप रिलायंस फ्रेश के स्टोर में जा रहे हैं, चाहे आप रिलायंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं जैसे जियो हो गई उसका सिम कार्ड या मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में वही जो इमेज है वो ट्रेवल करेगी. तो जो ब्रांड की इमेज है वो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करती है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज लर्निंग. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.